एप्लॉम जो कॉन्सेप्ट है उसने क्या कहा है, सिर्फ डिफरेंस समझिए। एप्लॉम का जो कॉन्सेप्ट है, सपोज आपको यहां पे कौन लेके आया, कोई व्यक्ति यहां पे जो पहली बार भाई साहब आप आए ना, आपका क्या नाम है? राजीव कुमार शर्मा। राजीव, वाह, यू आर मोस्ट वेलकम। राजीव कौन लाया है आपको? विकास जी। तो यहाँ पे एप्लॉम के बिहाफ पे विकास जी, यहाँ पे विकास जी हैं, राइट? विकास जी किसको लेके आए? राजीव जी को, राइट? राजीव जी को ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, और राजीव जी अगर अपने किसी दोस्त को इस कॉन्सेप्ट में लेके आना चाहें तो वो कैसे लेके आएंगे? अपने साथ में। राजीव जी अपने किसी फैमिली मेंबर को लाना चाहें तो किसके साथ में लाएंगे? अपने साथ में। राजीव जी अपने साथ में अपने भाई को लेके आना चाहें तो किसके साथ में लाएंगे? राजीव जी अपने पड़ोसी को लेके आना चाहें तो किसके साथ में लाएंगे? अपने रिश्तेदारों को लेके आना चाहेंगे तो किसके साथ में लाएंगे? राजीव जी को कोई अजनबी आदमी मिले और ऐसे ही बैठे बैठे बात करने लगे, जैसे आपके घर में कोई मेहमान आ जाता है कोई, तो आप उससे कहते हैं अरे कैसे जाएंगे आप? बोले नहीं हम जाएंगे बाहर से ऑटो ले। बोले नहीं ओला डाउनलोड कर लो ना, ओला से बुक कर लो, यहीं पे आ जाएगी। यानी कि कोई अजनबी मिले, स्ट्रेंजर्स मिले तो राजीव जी किसके साथ मिलाएंगे? अब ये जो पड़ोसी है ये आगे ऐसे ही करता है, इसके आगे भी ऐसे ही होता है, तो क्या होगा? नेटवर्क बन जाएगा देवियों। क्या बनेगा? ओला के पास कारों का क्या है? नेटवर्क। ट्रेन का क्या है? चैन तो आप गले में पहने संभाल के रखिए, कोई छीन के ले जा सकता है। चैन संभाल के रखिए और चैन से रहिए, दो चीजें दिमाग में रखिए, पीस एट एनी कॉस्ट, राइट? तो क्या होगा यहां पे? एप्लॉम के बिहाफ पे सारा का सारा काम विकास जी के जरिए, राजीव जी के जरिए हो रहा है, और ऐसे ही विकास जी किसी अन्य को बताएंगे तो इनका नेटवर्क बढ़ेगा। ये कॉन्सेप्ट है, राइट, जो एप्लॉम ने किया। क्या किसी के घर में अमेज़न से कैशबैक आया? नहीं। किसी की चेक आई? नहीं। किसी को ट्रॉफी मिली? किसी का मैगजीन में फोटो छपा? किसी के लिए तालियां बजी? कभी बुला के स्टेज पे एक बुके, एक गुलाब का फूल भी दिया गया? कभी माला पहनाया गया? कभी कहा अमेज़न वालों ने तुमको कामयाब होना है, तुमको स्वस्थ रहना है, तुमको अपनी जिंदगी बदलनी है? तो फिर क्यों उसकी इंपॉर्टेंस, क्यों आपकी जिंदगी में? असली आपकी दुकान कौन सी हुई, अमेज़न हुई या एप्लॉम हुई? दुकान तो अपनी वो जो प्रॉफिट दे। तो आपकी अपनी दुकान कौन सी हुई? एप्लॉम की हुई, जहां से आपके घर में पैसे आते। चलिए इसी बात पे देखते भी है, कितने ऐसे लोग हैं जिनके घर एप्लॉम से कोई पैसा आया? क्या खड़े हो सकते अपनी जगह पे? अरे वाह, कितने ऐसे लोग हैं जिनके घर में एप्लॉम से कोई पैसा आया? वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो मेरा आप सभी से कहना यह है कि आप एप्लॉम बिजनेस से के अंदर क्या बदल सकता है? वो सब कुछ बदल सकता है जो आप बदलना चाहें। तो क्या आप में सफल होने की इच्छा है? Yes. सफल होने के लिए सिर्फ एक काम करना है, अपनी खरीदारी की आदत को परिवर्तित करना। क्या यह काम कर सकते हैं? Yes. जैसे बहुत से लोग सोचते हैं कि हम हेल्थ प्रोडक्ट नहीं यूज करते, हमें इनको खाना पड़ेगा दुकान बदलने पर। ये भी आपकी इच्छा है, लेकिन आप बहुत सारी चीजें वो घर की बदल सकते हो जो आप प्रतिदिन इस्तेमाल
करते हो। जैसे आज सुबह सो के उठे होंगे तो सबसे पहले आपने क्या यूज किया होगा, हाथ में एक टूथब्रश होगा और एक पेस्ट होगा, है कि नहीं। बाद में हैंड वॉश यूज किया होगा, नहाया होगा, सोप यूज किया होगा, शैंपू यूज किया होगा, राइट। घर में पोछा लगा होगा तो आपने कोई फिनाइल या कोई फ्लोर क्लीनर यूज किया होगा, राइट। घर में बर्तन धुले गए होंगे तो आपने कोई डिशवाश यूज किया होगा, राइट। घर के अंदर कपड़े धुले गए होंगे तो आपने कोई डिटर्जेंट यूज किया होगा, सहमत है। ऐसे करके सुबह से लेकर शाम तक आप ना जाने कितने उत्पाद इस्तेमाल करते हो, राइट। जिन उत्पादों को इस्तेमाल करने से दूसरे अमीर हो रहे हैं, अमीर अमीर हो रहे हैं, सहमत है। बात समझ आ रही इतनी सी। हमारी जिंदगी में कुछ नहीं बदलता, लेकिन एप्लॉम बिजनेस के साथ में एसोसिएट होने से सिर्फ एक चीज होती है कि हमारी जिंदगी बदलती है, और इतनी बदलती है कि एक 22 साल की लड़की एक साल में 56 लाख रुपए कमाती है। एक 52 इयर्स की लेडी 31 लाख कमाती है, 31 लाख रुपए 52 साल की एक लेडी, एक तकरीबन 60 साल के करीब के व्यक्ति 18 लाख रुपए कमाते हैं, यानी कि यंगस्टर्स भी कमाते हैं, ओल्ड भी जो 60 साल में जो रिटायरमेंट के करीब आ जाते हैं वो भी कमाते हैं, राइट। एक लेडी जो दादी नानी सब बन चुकी है वो भी कमाती है, और ऐसे कम से कम 22 लोग एप्लॉम के अंदर हैं जिन्होंने एक साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा एप्लॉम से गेन किया। तकरीबन 107 लोग हैं, 107, जिन्होंने 1 लाख रुपए से ज्यादा गेन किया। तो मेरा आप सभी से कहना यही है कि इस बिजनेस को में करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज करना है, क्या चेंज करना है, सामान खरीदने के बदले में सामान आता है, साथ में कुछ और ऑफर आते हैं, समटाइम्स बाय वन गेट वन मिल जाते हैं, कई कई बार अगर 10 पीस आपने खरीदा तो एक पीस कभी कभी ऑफर मिल जाता है। वेरी नाइस, बढ़िया, अच्छी स्कीम है। अगर आपने एप्लॉम से ये सामान खरीदा तो पहली चीज तो कितना मिल गया आपको, यहाँ पे भी 10% से लेकर 40% का, राइट, 10% से 40% के डिस्काउंट्स मिल गए, राइट। एप्लॉम के अंदर जो आपने 1246 रुपए का सामान है उसके लिए आपको 978 पे करने पड़े, राइट। लगभग ऐसे ही आप अगर किसी ऑनलाइन साइट से लेते हैं तो व्हाट्सएवर जो डिस्काउंट्स है आपको मिल जाएंगे, राइट। इसके साथ में आपको ऑफर भी मिलता है। मैम ने कहा कि 10 प्रोडक्ट खरीदते हैं तो कोई 10 तो अपने घर के लिए नहीं खरीदेगा, मिसलेनियस खरीदेगा, ये खरीद सकते हैं, सब कोई तो नहीं खरीद सकेगा, राइट। लेकिन यहाँ पे आपको मिसलेनियस प्रोडक्ट के ऊपर भी, यानी कोई भी सामान आप मिसलेनियस 1000 का खरीद लेते हैं तो आपको 149 का दिखाई ना सर शॉवर जेल मिल जाता है। जैसे आपने 1000 रुपए डीपी का डिस्काउंट प्राइस पे सामान खरीदा, इसके ऊपर आपको बिजनेस वॉल्यूम 500 मिल जाते हैं, और पहला परसेंटेज 9% एडिशनल बेनिफिट होता है, यानी 45 रुपीज आपको कैशबैक भी मिलता है। अगर आपने सेकेंड मंथ आपने सेम बाइंग 500 बिजनेस वॉल्यूम की, यानी 1000 की, तो आपको ये 45 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में रीपर्चेज बोनस एडिशनल 50 रुपीज मिल जाता है, यानी कि आप ये 95 रुपीज के करीबन अप्रोक्स 95 आपको मिलता है, राइट।
तो मैम से मैं बस यही पूछना चाहूंगा कि मैम क्या ये 95 भी मिलते हैं या 45 और नहीं मिलते। अब वही बात हम फिर से डिस्कस करते हैं। राजू भाई कभी आप ऑनलाइन खरीदते हो? कभी कभार। वैसे ज्यादातर ऑफलाइन खरीदते होंगे? एक्चुअली सर हमारा होलसेल का है तो ज्यादा ज्यादा आइटम जो आपका जनरल आइटम है हाँ। वो मिल जाते हैं। वेरी गुड। और वही बात क्लॉथ वगैरह है तो घर के जो राज्य में। वेरी नाइस। तो आप लोग जैसे इनका होलसेल का है हर व्यक्ति का थोड़ा होता है तो क्या दुकानदार क्या एमआरपी पे देता है डिस्काउंट प्राइस पे देता है? एमआरपी तो उनको डिस्काउंट भी नहीं मिलता और एमआरपी पे मिलता है। तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट्स भी मिल जाते हैं और साथ ही साथ में कैश बैक भी आता है। आप यहाँ पे हो क्या आप इसका फायदा लोगों तक पहुँचाना चाहोगे? पहुँचाना चाहोगे? अगर एक व्यक्ति सिर्फ 6 व्यक्तियों को इस बिजनेस के बारे में इन बेनिफिट्स के बारे में बता दे तो क्या हो सकता है? आपको अंदाजा है? अंदाजा है? चलिए क्या हो सकता है ये मैं आपको बताता हूं। अगर एक व्यक्ति 6 व्यक्तियों को एप्लॉन बिजनेस के बारे में बताए और ये अपनी मात्र खरीदारी 1,000 रुपए पर मंथ की करे, कितनी? ये 6 व्यक्ति आगे 6 व्यक्तियों को बताएं तो यहां पे 36 हो जाते हैं और ये लोग मात्र अपनी खरीदारी 1,000 रुपए पर मंथ की करें। क्या 1,000 रुपए का अमाउंट ज्यादा है? नहीं। कोई बहुत बड़ा अमाउंट है? नहीं। पहले होता था, आज से 20 साल पहले, अब नहीं। अगर ये 36 आगे 6 लोगों को बताएं यानी कि 216 हो जाते हैं और ये लोग 1,000 रुपए पर मंथ का की खरीदारी करें और ये 216 लोग 6 लोगों को बताएं यानी 1,296 लोग 1,000 रुपए पर मंथ की खरीदारी करें और टोटल अगर ये जोड़ा जाए आपके लेवल से तो 1,555 लोग मात्र 1,000 की खरीदारी कर रहे हैं यानी कि 15.55 लाख रुपए का बिजनेस हो रहा है। कितना? ये ऑलरेडी हो रहा है, ऑलरेडी हो रहा है। आप लोग रात में कभी देखते होंगे कि आपके शहर में कितने सारे ट्रक अनलोड हो रहे हैं, हो रहा है ना? दुकानों से सामान बिक रहा है। तो ये आपने क्या किया, अपने दो दोस्त दो रिश्तेदार दो पड़ोसी, इसने क्या किया, दो दोस्त दो रिश्तेदार दो पड़ोसी, इन्होंने आगे क्या किया, दो दोस्त दो रिश्तेदार दो पड़ोसी, और इन्होंने क्या किया, दो दोस्त दो रिश्तेदार दो पड़ोसी, टोटल 1,555 लोग कितने खरीदारी कितने की, टर्नओवर कितने का, 15.55 लाख रुपए का टर्नओवर आपने किया। आप यहां पे जो थे आपकी आमदनी तकरीबन 2,30,000 रुपए पर मंथ की होती है।